नमस्कार, मैं प्राची ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल द ऑटरिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 7 विलेन इन बॉलीवुड हु स्टोल द लाइमलाइट के टाइटल के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम ज़्यादातर एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी में हीरो को सराहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने विलन का किरदार इतना खूब निभाया कि उन पे से और उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स पे से नज़र हटाना मानो नामुमकिन सा था। और यही तो होती है एक अच्छे अभिनेता की पहचान, एक नेगेटिव किरदार को भी इतना बेहतरीन रूप से निभाना कि वो मूवी की हाईलाइट बन जाए। अमजद खान एज गब्बर इन शोले 1975। भले ही शोले मूवी में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र द्वारा एक बहुत स्टनिंग परफॉर्मेंस पेश की गई, पर फिर भी पूरी मूवी गब्बर यानी अमजद खान ले गए। उनका ये अंदाज़ लोगों को कुछ इस तरह पसंद आया कि आज भी उनके डायलॉग्स हो या उनके चलने का तरीका से लेके उनके हंसने के तरीके तक लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। डैनी डेंजोंगपा एज कंचा इन अग्निपथ 1990। आज तक कोई भी इतनी स्टाइलिश और सोफेस्टिकेटेड विलेन नहीं माना जाता है हमारे इंडस्ट्री में जितना डैनी डेंजोंगपा के द्वारा निभाए गए किरदार कंचा चीना रहा। भले ही पुरानी अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं कमा पाई, पर दोनों ही क्रिटिक्स और ऑडियंसेस का ये मानना रहा कि इस फिल्म के एक्टर्स अमिताभ बच्चन और डैनी ने अपने किरदार खूब अच्छे से निभाए। अमरीश पुरी एज मुकैम्बो इन मिस्टर इंडिया 1987। मुकैम्बो एक ऐसे किरदार का रोल अदा करना मिस्टर इंडिया जैसे फिल्म में अमरीश पुरी के द्वारा दिए गए आइकॉनिक परफॉर्मेंसेज में से एक माना जा सकता है और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऊंचा लेवल सेट करता है। उनके द्वारा निभाया गया ये किरदार इंडियन विलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल और रोल मॉडल है। संजय दत्त एस कंचा इन अग्निपथ 2012। जहाँ पे डैनी डेंजोंगपा का किरदार कंचा बहुत ही सभ्य था, वहीं संजय दत्त के द्वारा निभाए गए किरदार का रूप, ढंग और अंदाज बिल्कुल ही अलग था। भले ही दोनों किरदार में ज़मीन और आसमान जितना अंतर हो, पर दोनों ही किरदार इक्वली पावरफुल और कमाल के थे। दिग्मांशु धूलिया एज रामधीर सिंह इन गैंग्स ऑफ वासीपुर 2012। दोनों ही गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म में ढेर आइकॉनिक कैरेक्टर थे और किसी न किसी एंगल से सब बुरे थे, पर दिग्मांशु धूलिया का किरदार रामधीर सिंह सबसे अलग और सबसे अलग ही लेवल पे था। जिस तरीके से इस कैरेक्टर को समझा गया और फिर ऑन स्क्रीन पेश किया गया, वो सच में रिमार्केबल था। आशुतोष राणा एज लज्जा शंकर पांडे इन संघर्ष 1999। आशुतोष राणा हरदम ही अंडरस्टेटेड एक्टर्स में से एक रहे हैं। उनका साइकोटिक किलर लज्जा शंकर में पोर्ट्रेयल संघर्ष मूवी में सच में बेस्ट बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज में से एक रहा है। जिस तरह एक शॉट में वो चीखे चिल्लाए अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए, बॉलीवुड में शॉट हुआ वन ऑफ द स्केरियस्ट शॉट माना जा सकता है। रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी इन पद्मावत। भले ही हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट और थोड़े प्रॉब्लमैटिक अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को दिखाया गया हो, पर इसमें कोई शक नहीं है कि रणवीर सिंह ने दिए गए किरदार को किस जुनून और लगन के साथ निभाया। भले ही इस मूवी को थोड़ी दिक्कत सहनी पड़ी स्टार्टिंग में, शुरुआत में, पर रणवीर सिंह की एक्टिंग उनकी बेस्ट ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है। भले ही शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण ने एक स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दी, पर लास्ट में विलन के तौर पर रणवीर सिंह ने अपनी छाप छोड़ ही दी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जल्दी ही।
तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे अपने चैनल द ऑटरिंग को, ताकि आप नए नए अपलोड्स कभी मिस ना करें।